कौन आने वाले, उमर भाई साहब को जरूरत नहीं है, सर्दियों में रहते हैं वो, हम लोग तो गर्मियों में रहते हैं। लाइक करना, शेयर करना, घंटे हो जा रहे हैं ना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट होगी, वो इसलिए कि आज की वीडियो जो है वो बेसिकली बकरों का और सर्दियों का जो मामला है उस पे है। सर्दियों में बकरों में जो बहुत कॉमन बीमारियां आती हैं वो एक तो PPR है, दूसरा नमूनिया है, फिर नज़ला है। नज़ले के अलावा जो है वो बुखार की शिकायत आ जाती है, प्रेग्नेंट बकरियों के साथ मसाइल आ जाते हैं, छोटे बच्चों की मोर्टैलिटी बहुत होती है। देखें, सर्दी से बकरों को कोई मसला नहीं है, ना ही गर्मी से बकरों को कोई मसला है। ये पहाड़ी जानवर है और ये पहाड़ों पे ही रहता है, अगर इसकी जो अपनी कुदरती तौर पे वो देखी जाए तो। मसला है हवा से, बकरा बीमार होता है हवा से। जब बाल खड़े हुए होते हैं अक्सर, नज़ला बहरा होता है, गर्दन झुका के खड़ा होता है, बीमारी में ये वाले सिम्टम्स दिखते हैं आपको। सबसे पहले तो अगर कभी भी बकरे की या किसी भी जानवर की बीमारी डिटेक्ट करनी है तो उसके बॉडी में जो सुराख हैं, कान, आंखें, नाक, मुंह या पॉटी शूशु की जो जगह है, उन जगहों से देखें कोई मसला तो नहीं है। अगर मोशन हो रहे हैं तो पेट का मसला है, शूशु आ रहा है रेड कलर का आ रहा है या नहीं आ रहा तो भी कोई मसाने का मसला है। नज़ला बह रहा है तो नाक से कुछ पानी आ रहा है तो वो नज़ले का मसला है। आंखों से पानी आ रहा है तो वो भी नज़ले से ही एसोसिएटेड होता है ज़्यादातर। कान में कीड़े तो नहीं पड़े हुए, इस तरह की ये कुछ चीजें हैं जिससे आप जानवर को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मसला क्या है, क्योंकि किसी भी मसले में वो खड़ा हुआ तो ऐसे ही होगा सर झुका के। तो फातिमा भी वीडियो बना रहे ना, तो भाई देखो, हवा से बकरों को आपने बचाना है सर्दियों में। सर्दी नहीं लगेगी, हवा लग सकती है। सर्दी का तो आसान सा है यार, आंख जला दो कनस्तर के अंदर, गर्मी हो जाएगी, हीटर लगा लो, थोड़े ज्यादा पैसे या सोलर पे सिस्टम चला रहे हो तो पीला वाला बल्ब लगा लो, पीला वाला बल्ब लगा लो। लेकिन हवा से कैसे रोकना है ये टेक्निकल बात है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमने किस तरीके से क्या सिस्टम किया हुआ है हवा रोकने के लिए। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। अच्छा, ये देखें, अयान बताएगा। अयान, ये क्या चीज है? ये कारपेट हमने लिए थे आई थिंक 2 या 3 साल पहले, वो अभी तक चल रहे हैं। हाँ, ये लिए थे लेकिन ये पूरे पे ना देखें, माशाल्लाह पीछे कारपेट लगाया, उसकी रीजन ये था तरपाल उड़ती है और उससे हवा अंदर की तरफ आती है, तो हवा का रुख क्योंकि इस साइड से इधर की तरफ था तो यहाँ पे कारपेट लगा दिए ताकि हवा का मेन रुख रुक जाए, ठीक है। और जो क्रॉस वेंटिलेशन की जगह थी उसमें थोड़ी सी जगह वहाँ पे छोड़ के और इधर भी कारपेट लगा दिए, थोड़ा सा इधर से भी खोल दिया, क्योंकि जब आग लगती है कनस्तर में तो धुआं जो है वो ना रुके। फ्रंट जो है यहाँ पे भी एक कारपेट लगा हुआ है और इधर कनात लगा दी, क्योंकि अभी भी आप कनात की मूवमेंट देखें तो हवा का रुख जो है वो इस साइड की तरफ जा रहा है, इस तरफ, तो यहाँ से हवा आएगी नहीं, लेकिन फिर भी उसको रोकने के लिए इधर भी कनात लगा दिया। और दूसरी साइड पे जो है वहाँ हमने कपड़े वपड़े बांध के हवा रोक दी, क्योंकि उस साइड से हवा इतनी आती नहीं है। तो भाई मेजर चीज़ ही है कि आप हवा को रोकने की कोशिश करें। अगर आप जानवर, किसी भी जानवर के लिए हवा रोक लेंगे ना तो उसके लिए माहौल बहुत बेहतर हो जाएगा। सर्दी का इतना मसला नहीं है, आप आग लगा लें या पीला वाले बल्ब जला दें तो ये बर्दाश्त कर जाते हैं, पहाड़ी के जानवर हैं ये। और अगर सर्दियों में आपका जानवर बीमार हो जाए तो बहुत हाई डोज देने से पहले ट्राई करें कि आप पैनाडोल से इसको सही करें, नहीं तो फिर क्या कहते हैं ब्रूफेन है, ब्रूफेन दर्द वर्द में काम आती है ज़्यादातर, और नज़ले में सबसे बेहतरीन कॉफकोल है, कॉफकोल भी दे सकते हैं आप जानवरों को, खास करके बकरों को। और एक चीज़ है वो कावा होता है जो हम भी पिलाते हैं और बड़ा मुफीद रहता है, उसमें हम गुड़ और अजवाइन डाल के ना उसको उबाल लेते हैं पानी के अंदर, और फिर वो बहुत कम, यानी इस साइज़ के जो बकरे हैं माशाल्लाह, ये इस साइज़ की सेहत की बकरियों को ये आराम से 55-60 किलो की एक बकरी होगी, इस तरह की बकरी को 10 ml या बहुत ज़्यादा तो 20 ml या 20 cc कह लें इतना कावा दिया जाता है, वरना मोशन हो जाते हैं, काफ़ी गर्म होता है। और गुड़ खिलाएं, एक चुटकी आधा चुटकी अजवाइन खिला दें, ये सब हफ्ते में एक दफ़ा कर लें तो काफ़ी है। लेकिन सर्दियों में गुड़ ज़्यादा खिलाएं। हाँ, गुड़ ज़्यादा दें और अजवाइन की क्वांटिटी कम होगी, अजवाइन बहुत गर्म होती है, मोशन हो जाते हैं सर्दियों के बावजूद। हाँ, और ये सिर्फ सर्दियों में करना है। और एक सबसे ज़रूरी बात कि 4 बजे के बाद आप पानी हटा लें बकरों का सर्दियों के अंदर, तो इंशाल्लाह आपके बकरों को कुछ नहीं होगा और वो सेहतमंद भी रहेंगे। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, घंटी बजाना। अब मैं भी
सही है भाई, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और घंटी बजा देना।